बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग अभी मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है और अभी जा रहा है मेरा बेटा स्कूल, तो ये उसका बैग यहाँ पड़ा हुआ है, इसको पहुँचा के आती हूँ मैं। अरे बाप रे, इतना भारी है ना, सच में क्या बताऊँ, जैसे पत्थर भर लिया। और देखो अपना कहाँ घूम रहा है, उधर बाहर। दोबारा ऐसा मत करना, मेरा दिमाग खराब हो जाता बहुत तेज से। बस आखिरी गिरे जा रहा है, आराम से। तो गाइस जो भी मेरा रूटीन है जो मैं उसको बनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसको। स्पून, ये स्पून यहाँ पे, इसको मैंने काट कूट के सब बना लिया है। मैं खा लेती हूँ इसको फटाफट से और फिर उसके बाद बाकी काम निपटाऊंगी बाद में, आज कुछ इम्पोर्टेंट भी करना है तो वो भी करूँगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको निपटाते हैं, खा के फुर्सत हो जाऊँ मैं थोड़ी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ ये ना इतना मिक्स करके मुझे बिल्कुल भी खबता नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सच में मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन मुझे ना खाना तो पड़ेगा क्योंकि तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला इसको खाओ, इसी से आप फिट फाट रहोगे, और इसीलिए मैं इसमें सब चीज़ मिक्स कर देती हूँ, पर ये खबता नहीं है मुझसे, बहुत मुश्किल से खाती हूँ इसको, सच में पता नहीं कितने प्रकार का मुँह बनता होगा इसको खाते खाते, और इतने देर लगते हैं मुझे इसको खाने में ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर खाया पिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई आराम से, ये बैठूँगी इधर और ये सब पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं ना इनको मैं छटाई, ये जो मिट्टी एकदम प्लेन सी हो गई, चिपक सी गई है ना, तो उसको मैं कुछ था नहीं मेरे पास तो ये पेचकस रखा था, मैं इसी से इसको खोद रही थी, क्या करना बोलना, गुड़ाई करना क्या बोलते हैं आप लोग, वही जो भी हो, तो वही उसी को कर रही थी मैं। और इतनी तेज़ धूप निकल आई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मतलब पूछो ही नहीं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। धूप देखो आपको हाफ़ उसमें धूप दिख रहा होगा, ये छोटे गमले के पास में बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये सब मैं इनको कर करके साइड में रखते जा रही हूँ, जिसे पानी डालूँ ना तो पानी ऊपर ही ऊपर रह जाता था, इसीलिए मैं इसको ना ये देखो मिट्टियों को ऊपर नीचे कर देती हूँ थोड़ी, तो इससे मैं पानी डालूंगी तो कम से कम एटलीस्ट पानी नीचे तो जाएगा, उसमें पानी पूरा ऊपर ही ऊपर भरा रहता है और फिर वो ये पूरे पेड़ पौधे सूखते जाते हैं, तो इसीलिए ना फटाफट से इसको कर लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे आगे। इवनिंग का टाइम का ब्लॉग है गाइस, फिर मैं ना क्या हुआ कि मैं पूरे दिन शूट नहीं की क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, तीज की तैयारियां और फिर पार्लर सार्लर ये सब का काम, तो मैंने ना सोचा कि मैं दोपहर में शूट नहीं करूंगी, फिर शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने फिर ये शूट किया। क्योंकि और यहाँ पे देख सकते हो बहुत इतना दिमाग ख़राब होता है ना सच में, पूरे कापी किताब को ऐसे फैला के जाता है जैसे दोबारा लगने ही नहीं है इनको, तो ये सब चीज़ों को फैला के देखो, इतने सारे बुक्स को निकालेगा बैग से, रोज़ इसका रोज़ का यही काम है, कोचिंग जाने के लिए रोज़ यही करता है, ये बैग पूरे फैला के चले जाएगा पूरे बेड में, कापी किताब को जहाँ रखने की जगह वहाँ कभी नहीं रखेगा,
वो रोज़ ऐसे ही फैला के चला जाता है। फिर मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि शाम भी हो रही है और कचड़ा इतना ज़्यादा मच जाता है ना, इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आरू खेलता है और बस ऐसे ही आया के कचड़ा फैला देता है, कहीं कागज़ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल प्यारे प्यारे से बैठे हुए हैं, देख सकते हो। मैं यहीं पे ये मैंने क्या बोलते हैं अभी जन्माष्टमी में बनाया था और ये वैसा ही सजा है। मैं सोची कि गणेश जी अभी आएंगे तो फिर से मुझे और भी चीज़ें करनी ही होगी, तो अभी इसको बने रहने देते हैं। फिर यहाँ पे हो गया, मेरी साफ़ सफाई हो गई, अब किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ। किचन क्लीन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। किचन मतलब बहुत सारा देख सकते हो, सब मचा हुआ है भाई, इतना बर्तन वर्तन फैला है। मतलब मैं लेट आई ना, तो मुझे अब इतनी सारी चीज़ें साफ़ सफाई सब करना है, बहुत सारा काम करना है। तो मैं अब जल्दी जल्दी इस किचन की क्लीनिंग करूँगी और जो बर्तन वर्तन हैं सब चीज़ों को साफ़ करूँगी। तो जब साफ़ सुथरा हो जाएगा फिर मेरा दिया बत्ती का टाइम हो जाता है, जब तक तो बस कंटिन्यू मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। मतलब शाम को मैं जैसे ही आती हूँ कि मेरा काम जो स्टार्ट होता है भाई, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, मतलब कंटिन्यू लगे रहती हूँ तब तक। और फिर अब यहाँ पे बर्तन वर्तन जल्दी जल्दी धुल लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे दिया बत्ती भी करना है। एंड यहाँ पे देखो मेरा काम हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारजन में खड़ी थी यहाँ पे बालकनी के पास, और फिर मैं अंदर आई, आरव ने आवाज़ दिया, मैं पानी पीने के लिए अंदर आई तो इसने अपनी पेंटिंग वेंटिंग दिखाने लगा और फिर मैंने पानी वानी पिया। और अब मैं जल्दी जल्दी से दिया बत्ती करूँगी, सारे बर्तन वर्तन स्टैंड में बाद में जमाऊँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ पे सूट चेंज कर लिया है और अब मैं यहाँ पे पानी वानी पी लेती हूँ। पानी पीने आई थी पर मैं पानी नहीं पी क्योंकि ना आरव मेरा दिमाग इतना खा जाता है, मम्मा ये वाला देख लो, मम्मा ये वाला देख लो। मैंने बॉटल को वापस से रख दिया था, फिर मुझे वापस से पानी तो पीना ही था भाई, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से पानी वानी पी पा के और फुर्सत हो गई, सब चीज़ों को समेटा। और फिर अब मैं दिया बत्ती करूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी न्यू आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। और यहाँ पे हो जाता है शाम और मैं करती हूँ दिया बत्ती, तो पहले किचन में कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर में करूँगी तुलसी जी के पास में। और फिर तुलसी जी के पास करने के बाद फिर अंदर की करनी चाहिए, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पहले तुलसी जी में दीपक जलाओ, उसके बाद घर के अंदर की यहाँ जहाँ भगवान जी आपने बिठाल रखा है वहाँ की पूजा करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स कहलाती है, और वास्तु टिप्स भी है और पूजा के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स भी है, जो भी समझो। एंड मुझे भी किसी ने बताया है, मुझे भी बड़ों ने ही, जो मेरे घर के बड़े बूढ़े हैं उन्हीं लोगों ने मुझे ये बताया है कि पहले बाहर तुलसी में रखना चाहिए, उसके बाद फिर घर के अंदर की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल ये हो जाती है मेरी तुलसी पूजा। यहाँ पे मैं इसको एक पत्ता रख देती हूँ क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखना चाहिए दीपक को, तो मैं एक पत्ता रख दिया, फिर उसके बाद दिया रखा, उसके बाद वो, उसके बाद आ जाती हूँ इस झूले को। सॉरी गाइस, जो एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होगी उसको इग्नोर कीजिएगा। एंड यहाँ पे ये झूला है ना, जो मैं तीन मतलब जन्माष्टमी हो गई, कब की हो गई, पर ये झूला अभी तक खुल नहीं पा रहा था क्योंकि वो जो मुझे जैसे खोलते हैं ना ये पाना वाना क्या बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा था। तो फिर जब ये मिला ना मुझे सी के नंबर का, तो फिर मैं इसको खोल के अब इसको रख दूंगी, अब नेक्स्ट जन्माष्टमी में निकालेंगे या फिर बीच में कभी मन हुआ तो निकाल देंगे। तो अभी तो पैक करके रखने वाली हूँ क्योंकि फिर ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें फैली रहती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस टाइप का लगता है घर, क्योंकि छोटा सा है, बहुत बड़ा घर तो है नहीं, तो छोटा सा घर के लिए फिर ये सब चीज़ों को एकदम समेट के रखना, प्रॉपर रखना पड़ता है। तो ये अब इधर पे फिर एक भैया आ जाते हैं, उनसे बात करने लगती हूँ मैं, वो मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे थे। फिर मैंने उनसे बताया कि मेरे चैनल का नाम क्या है और मेरी इंस्टा आईडी बताई उनको, किड्स पूजा शुक्ला है मेरी इंस्टा आईडी, आप फॉलो कर लो करके, और आप सब भी फॉलो कर लेना, मैं इंस्टा आईडी अपनी मेंशन कर दूंगी। एंड गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी अपने बेटे का पसंद का खाना जो कि उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उसके पसंद का खाना ये बनाया है, देख सकते हो, ये मसाला, ये ग्रेवी रेडी कर ली है, आटा लगा के रख लिया है साइड में। और यार पता नहीं ये वीडियो कैसे ग्रीन ग्रीन आ रही थी, मालूम समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे वीडियो की क्वालिटी क्या हो गई अचानक से। और
थोड़ा सा रात का समय है ना, तो हो सकता है लाइट वाइट के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो। तो यहाँ पे मैं टमाटर सेव की सब्ज़ी बना रही थी और उसके लिए पूड़ी बनाऊंगी। तो टमाटर सेव की सब्ज़ी और पूड़ी फटाफट से रेडी करते हैं। यहाँ पे मेरे बेटे के लिए, बेटे के साथ साथ मैं अपने लाला के लिए भी मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे लाला को बहुत पसंद है। और विदाउट अनियन गार्लिक मैं बनाती हूँ, कभी भी मैं मसाले में अनियन गार्लिक वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, ना पाउडरी ना ही ऐसे, कभी भी मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं अपने लाला को भी ये सब भोग में पवाती हूँ, तो इसीलिए ना भोग लगाने के लिए मैं, और वैसे भी नॉर्मल भी हम भी नहीं खाते हैं। तो ये बनकर टमाटर सेव की सब्जी रेडी हो गई थी, पूरी बन गई, और अब मैं चलती हूँ लाला को भोग लगा देती हूँ। अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, एक लाइक एक